गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, दो टाइप देखे थे उसका। आज हम लोग लेविस थ्योरम देखेंगे। लेविस थ्योरम बहुत आसान है, ठीक है, उसी को देखेंगे। लेविस थ्योरम ये भी फोर्स से रिलेटेड है। इसमें भी जब कंकरेंट फोर्स रहता है किसी एंगल के थ्रू, तो अगर कोई एक फोर्स दिया हुआ है तो दूसरा फोर्स हम कैसे निकालेंगे, इसमें ये सीखेंगे। इसमें रिजल्टेंट नहीं होता है, इसमें केवल फोर्स निकलता है। मतलब अगर एक या दो फोर्स है दिया हुआ है तो थर्ड फोर्स कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं डिटेल में, ठीक है ना। लेविस थ्योरम, लेविस थ्योरम, लेविस नाम का एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही इसका थ्योरम दिया, उसी के नाम पे थ्योरम रखा गया, लेविस थ्योरम। तो देखिए, लेविस थ्योरम कहता है कि अगर सिंगल पॉइंट से तीन फोर्स एक्ट कर रहा है किसी एंगल के थ्रू, अल्फा बीटा गामा, किसी एंगल के थ्रू अगर कोई तीन फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स? सिंगल पॉइंट से लग रहा है, तो सिंगल पॉइंट से लग रहा है तो ऑब्वियसली कंकरेंट फोर्स होगा, ठीक है। तो कोई तीन कंकरेंट फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है और तीनों के बीच कोई एंगल है, सपोज दैट P1, P2, P3 तीन फोर्स है, सिंगल पॉइंट मतलब कंकरेंट फोर्स लग रहा है, और क्या लग रहा है, एक और कंडीशन है, ये भी सेम प्लेन में होना चाहिए। तो सेम प्लेन में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फोर्सेस जब एक ही प्लेन में हो तो वो प्लेनर फोर्सेस, मतलब ये भी आपका कंकरेंट और वो प्लेनर का केस है। तो थ्री फोर्सेस एक्टिंग कंकरेंट एंड वो प्लेनर थ्रू सम एंगल, देन अकॉर्डिंग टू लेमी द फोर्सेस एंड अपोजिट एंगल रेशियो आर सेम, ठीक है। फोर्स और उसका अपोजिट एंगल का क्या, केवल एंगल नहीं, एंगल का साइन का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज दैट ये सिंगल पॉइंट O है, O से P1, P2, P3 फोर्स लग रहा है और अल्फा बीटा गामा एंगल के थ्रू तीनों डिफर कर रहा है, तो लेविस थ्योरम के अनुसार P1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल टू P3 डिवाइडेड बाय साइन गामा, यही है आपका लेविस थ्योरम। मतलब फोर्सेस और उसके अपोजिट का एंगल का साइन का रेशियो तीनों सेम होता है, तीनों के लिए। P3, P2, P1 सेम नहीं होगा, ये रेशियो सेम होगा, यानी P1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू P2 बाई साइन अल्फा, P3 बाई साइन गामा, ठीक है ना। यही आपका है लेविस थ्योरम। इसी पे आधारित हम एक प्रॉब्लम भी देखेंगे, ठीक है। मेन थ्योरम क्या हो गया, बहुत आसान है ना, कंकरेंट फोर्स लग रहा है, सेम प्लेन में है, ठीक है, अपोजिट एंगल का साइन का रेशियो सेम होगा। अगर कोई एक फोर्स दिया हुआ है, कोई एंगल मालूम है, रेशियो मालूम हो जाएगा, और अगर इधर का एंगल मालूम है, इधर का एंगल मालूम है, तो ये P2 और P3 भी हम लोग निकाल सकते हैं। मेन पर्पस इसका यही है। देखते हैं एक प्रॉब्लम इस पे।
देखिए अगर जो टू फिक्स पॉइंट है यहां से कोई वेट लटक रहा है कोई 240 न्यूटन का कोई वॉर है कोई बार है 240 न्यूटन का कोई बार है जो कि नीचे की ओर 240 न्यूटन 240 न्यूटन का कोई बार है जो दो वॉल से हैंग कर रहा है इस तरह से स्ट्रिंग के थ्रू तीन स्ट्रिंग के थ्रू एक 240 न्यूटन का बार है जो इस तरह से हैंग कर रहा है ये पॉइंट मान लेते हैं कि फिक्स है ठीक है फिक्स भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है आपको दो आदमी आप पकड़े हुए हैं एक आदमी यहां से खींच रहा है और इस पॉइंट के थ्रू इस तरह से ये एक्ट कर रहा है 240 न्यूटन का बार एंगल आपका दिया हुआ है डिग्री और 30 डिग्री ये एंगल आपको दिया हुआ है ये आपका मेन प्रॉब्लम है कि एक बार है 240 न्यूटन वेट का जो कि एक स्प्रिंग के थ्रू अटैच है इन दिस वे दो बॉल से ये हैंग है अब इसमें क्वेश्चन किस तरह लगा था कि बताइए स्प्रिंग का रिएक्शन फोर्स या स्प्रिंग में टेंशन कितना होगा ठीक है इस बार के कारण ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग में कितना फोर्स लगेगा कितना रिएक्शन होगा या फिर कितना टेंशन होगा कुछ भी मेंशन कर सकता है अगर तीनों में से कोई भी मेंशन करेगा सेम चीज बनाएगा रिएक्शन भी वही यहां से जो फोर्स लगेगा ये फोर्स जो 240 न्यूटन का है डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो ये क्या है ये फोर्स इसको इधर खींचने का कोशिश करेगा ये फोर्स इसको इधर खींचने का कोशिश करेगा तो रिएक्शन अपोजिट साइड पे लगता है तो यहां पे रिएक्शन लगेगा अपोजिट साइड में इस डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा सिमिलरली ये इसको डाउनवर्ड खींचने का कोशिश करेगा तो यहां पे रिएक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में तो रिएक्शन जितना फोर्स यहां पे लगेगा उसी का रिएक्शन होगा ना ठीक है यहां पे टेंशन बोल देगा कि टेंशन निकालिए स्प्रिंग में कितना है ये फोर्स के कारण ही टेंशन होगा ना टेंशन कितना होगा जितना फोर्स से ये नीचे की ओर खींचेगा तो इन दोनों के बीच में टेंशन होगा टेबल से रिनोट कर दिए ये आपने ये इसके ये फोर्स नीचे की ओर लगेगा तो इन दोनों के स्प्रिंग के बीच में भी तनाव होगा खिंचाव होगा तो टेंशन होगा तो ये T2 से मेंशन किया सेम चीज है टेंशन रिएक्शन या फिर इसमें इसके कारण स्प्रिंग में कितना फोर्स लगेगा ठीक है तो ये कैसे निकालेंगे लेवी थ्योरम का यूज करके कैसे निकालेंगे वही हम लोग देखेंगे ठीक है तो देखिए लेवी थ्योरम तो बताया था क्या फोर्स लगा है तो उसके अपोजिट एंगल का फोर्स और उसके अपोजिट एंगल का रेशियो सेम होगा तीनों के लिए तीन है तीन स्ट्रिंग हो गया ना एक दो और तीन स्ट्रिंग मेंशन कर सकते हैं स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3 थर्ड वन का क्या है फोर्स दिया हुआ 240 न्यूटन वेट है तो वेट इक्वल टू फोर्स हो जाएगा यहां पे जितना वेट है उसी वेट के अनुसार ही फोर्स लगेगा ना 240 न्यूटन यहां पे फोर्स हो जाएगा ठीक है समझ में आया प्रॉब्लम सबको समझ में आ गया एंगल आपका दिया हुआ है दोनों के बीच का एंगल आपका दिया हुआ है अब ये हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको निकालेंगे T1 और T2 या फिर इसमें कितना टेंशन लग रहा है जो हम कैसे आपको निकालेंगे ठीक है देखते हैं कैसे कैसे निकालते हैं हम लोग ठीक है तो सबसे पहले तो क्या लेवी थ्योरम लगाने के लिए आपको एंगल निकालना जरूरी होगा क्योंकि तीनों साइड का एंगल खोज रहा था ये दो एंगल दिया हुआ है तीनों साइड का एंगल निकल जाएगा बिल्कुल निकल जाएगा देखते हैं कैसे निकलता है एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी एक्सिस इमेजिन करेंगे ठीक है एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी एंगल या इमेजिनरी एक्सिस हम लोग इमेजिन करेंगे ठीक है ये वर्टिकली है तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ठीक है ये वर्टिकल अगर एक्सिस हम लोग अज्यूम करते हैं तो ये भी 90 डिग्री होगा मगर ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो बाकी कितना बचा ये 30 डिग्री बचा तो टोटल एंगल ये कितना हो गया 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 डिग्री ये टोटल एंगल
हो गया 120 डिग्री, क्लियर है। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, यहां से ये टोटल कितना हो जाएगा 180, यहां पे 60 दिया हुआ है, तो ये एंगल निकालने के लिए क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 तो भी 120 आएगा, आएगा ना। सिमिलरली ये वाला एंगल, ये एंगल निकालेंगे, ये एंगल निकालने कितना हो जाएगा, ये यहां से टोटल एंगल 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन में कितना होता है 180 डिग्री लाइन एंगल होता है एक साइड में, तो ये 180 डिग्री है और ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक है। ये एंगल निकल गया आपका 150 डिग्री, ये एंगल निकल गया आपका 120 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, ये एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, दोनों दिया हुआ है 30 प्लस 60 90 डिग्री, 90 डिग्री निकल गया। 1 स्ट्रिंग का अपोजिट एंगल ये, सेकेंड स्ट्रिंग का अपोजिट एंगल ये, और अगर इसको थर्ड मानते हैं तो थर्ड स्ट्रिंग का अपोजिट एंगल ये 90 डिग्री। अब लेवेंस थ्योरम लगा देंगे, लेवेंस थ्योरम लगाएंगे, क्या था लेवेंस थ्योरम, फोर्स और उसका अपोजिट एंगल का रेशियो, तो फोर्स कितना है 240 न्यूटन या 240 डिवाइडेड बाय इसका अपोजिट एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या था, तो एक लेंगे, ये फोर्स लेते हैं फर्स्ट स्प्रिंग T1 के लिए, तो फर्स्ट स्प्रिंग में फोर्स कितना लगा, T1 लग रहा है, जो किए थे ना टेंशन T1 हो रहा है, तो T1 का अपोजिट फोर्स क्या लिखेंगे, T1 डिवाइडेड बाय अपोजिट एंगल कितना साइन का 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री, और क्या हो जाएगा इक्वल टू थर्ड, ये वाला बचा T2 बचा, तो T2 का अपोजिट साइड का एंगल कितना है 120 डिग्री, तो T2 डिवाइडेड बाय साइन 120 डिग्री हो गया। एक इक्वेशन मिल गया हम लोग को, एक इससे निकाल लेंगे और एक इससे निकाल लेंगे, नीचे वाला से निकाल लेंगे T2 निकलेगा, इससे T1 निकलेगा, पहले देखते हैं T1, T1 के लिए 240 डिवाइडेड बाय साइन 90 इक्वल टू T1 बाय साइन 150 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा साइन इधर जाएगा, तो T1 इक्वल टू 240 इनटू साइन 150 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री, कैलकुलेट कर लेंगे T1 निकल जाएगा, करिए तो कैलकुलेट आप लोग भी साथ में, टू फोर्टी इंटू साइन 150 डिवाइडेड बाय साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो कितना आ जाएगा 120 न्यूटन, T1 इक्वल टू 120 न्यूटन निकल गया, T1 निकल गया, तो T1 कितना आया हमारा 120 न्यूटन आ गया, T1 में फोर्स या रिएक्शन या टेंशन, क्लियर है। डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है तो रिएक्शन लिखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में, टेंशन में लिखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा, T2 निकालना रह गया, ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे, T2 निकल जाएगा, निकालते हैं ऊपर पे निकाल रहे हैं, देखिए 240 बाय साइन 90 इक्वल टू सेकेंड टाइम में इसको इक्वेट कर रहे हैं T2 बाय साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री
लाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे साइन बाय कॉट थीटा आ जाएगा तो क्या आ जाएगा t2 इक्वल टू 240 इनटू साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री ठीक है करिए तो कैलकुलेट इसको ये कितना रहा है 207.846 न्यूटन T2 T1 और T2 निकाल गया हम लोग निकाल गया ना तो लेविस थ्योरम का उपयोग करके क्या हम लोग आसानी से टेंशन फोर्स निकाल सकते हैं लिमिटेशन क्या है इसका लेविस थ्योरम का क्या है ये तो क्या है कंकरेंट फोर्स एक्ट कर रहा है तीन कंकरेंट फोर्स एक्ट कर रहा है सेम प्लेन में तो हम अगर कोई एक फोर्स दिया हुआ है और एंगल मालूम है कि तीनों फोर्स कितने कितने एंगल पे एक्ट कर रहा है तो हम लोग उसका रिएक्शन या टेंशन निकाल सकते हैं अदर टू का इसमें क्या क्या लिमिटेशन आपको दिख रहा है सबसे पहले तो क्या कि तीनों के बीच का एंगल आपको मालूम रहना चाहिए अगर एंगल मालूम नहीं रहेगा तो फोर्स हम नहीं निकाल सकते हैं क्लियर है ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि तीनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो निकालना था के लिए हमको क्या है एंगल मालूम चाहिए दूसरा लिमिटेशन क्या हो जाएगा कि केवल तीन फोर्स रहेगा तभी हम लेविस थ्योरम लगा सकते हैं ना क्योंकि लेविस ने जो थ्योरम डेवलप किया किसके लिए किया तीन कंकरेंट और कोप्लेनर फोर्स के लिए एक्ट किया ठीक है जब ये ऐसा कंडीशन रहेगा तीन फोर्स लगेगा और तीनों अलग अलग डायरेक्शन में लगेगा तभी हम लेविस थ्योरम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अगर ऐसा नहीं रहेगा अगर तीन में से कोई दो फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है ना तो लेविस थ्योरम हम लोग नहीं लगा पाएंगे ठीक है तो ये दो सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या तीनों अलग अलग डायरेक्शन में होना चाहिए और तीनों के बीच का एंगल आपको मालूम होना चाहिए तभी आप लेविस थ्योरम का अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं क्लियर है ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और समझ में आया प्रॉब्लम और लेविस थ्योरम तो इसको शेयर कीजिए लाइक कीजिए थैंक यू